तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल हर हर महादेव। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं बिग बॉस के बारे में। तो जैसे कि आप सब लोग बिग बॉस देख ही रहे होंगे, बिग बॉस में 7 लोग फाइनल में पहुंच चुके हैं। और गाइस, मैं आपको बता दूं, आज जो मैंने एपिसोड देखा है लेटेस्ट वाला, वो था जो मीडिया बाहर से आई थी सबसे सवाल जवाब करने के लिए। तो गाइस, मैं आपको क्या बताऊँ, मैं तो उसको देख के इतना ज़्यादा, मतलब क्या बताऊँ, कुछ कुछ चीज़ों में इतनी खुशी भी हो रही थी और थोड़ा सा कहीं कहीं सैड भी लग रहा था। और ये शिवानी का निकल जाना और इन सब, इनका विशाल का निकल जाना, काफ़ी सारे लोग निकल चुके हैं बिग बॉस से, जो कि मैंने उसकी वीडियो नहीं बनाई है। तो मैं सोच रही हूँ कि लेटेस्ट वाली थोड़ी वीडियो बना के मैं अपलोड करूँ। और गाइज, अरमान की और कृतिका की जो क्लास लगी है गाइज, मैं आपको बता नहीं सकती। और मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाई थी कटारिया के ऊपर, गाइज मैंने जो बातें बिल्कुल जो बोली थी वो बिल्कुल सही बात बोली थी, क्योंकि कटारिया ने कुछ कुछ बातें इतनी ज़्यादा कट करके बोली थी जो कि उसको नहीं बोलना चाहिए था। और जो चीज़ तुम्हें अगर याद नहीं है अच्छी तरह से, तो तुम उसके बारे में प्लीज़ बात ना ही करो तो बेहतर होता है। और जैसे विशाल ने कहा था कि मेरा वो इंटेंशन नहीं है, मैं गुड वे में बोल रहा हूँ, तो वो सब बातें बोली ही नहीं कटारिया ने। और बिल्कुल उसको एज अ विलन की तरह उसको ट्रीट कर दिया कि वो ऐसे बोला, गलत बोला, ये बोला, वो बोला। तो ये सब चीज़ें गाइज मीडिया ने उठाई कि तुमने ऐसी बातें कैसे बोली, और तुमने जो विशाल ने बोला था तुमने उस बात को क्यों नहीं बोला सबके सामने जाके कि विशाल ने ये भी बोला था। और नेक्स्ट डे तुम नोटिस भी कर रहे थे कृतिका को। तो ये सब चीज़ें कि कहीं ना कहीं अगर उसने कुछ गलत बोला है तो तुम भी उसमें पूरे शामिल थे, और ये सब चीज़ें मतलब गलत थी, तुम्हारी तरफ से भी गलत थी। ये नहीं था कि सिर्फ उसमें विशाल अकेला गलत था। तो गाइस, यहाँ पे जो जो सवाल उठाए गए थे मीडिया के थ्रू, वो बोल रहे थे कि डायन भी कृतिका को लेके बोला था, थोड़ा गलत भी लगा सुनने में भी, पर बहुत अब मीडिया के सवाल थे गाइस, हमारे सवाल थे, वो नहीं थे कि डायन भी 7 घर छोड़ के वार करती है, तो तुमने तो अपने बेस्ट फ्रेंड के घर में ही मतलब उनके हस्बैंड से शादी कर ली, कितनी गलत चीज़ है, इसको करके बहुत बोला गाइस। तो मैं तो उस एपिसोड को देख के बहुत एक्साइटेड हो रही थी उसको देखने के लिए, क्योंकि मुझे जानना था कि मीडिया क्या सवाल जवाब करेगी और ये कि लोग कैसे जवाब देंगे। और अरमान कहीं ना कहीं ये बोलते कि क्या हो गया, नॉर्मल सी बात तो है, देखो पहली बात तो तुमने 2 शादी कर रखी है, और तुम ऐसे जिस समाज में हम रहते हैं वहाँ पे 2 शादी करना पहली बात तो अलाउ ही नहीं करते हैं, और कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, कोई भी औरत बर्दाश्त नहीं करेगी उसका हस्बैंड 2 शादी करके आए। तो वही सवाल अगर कृतिका से पूछा गया तो वो बोल रही उस टाइम पर मैं उस टाइम का देखती, मतलब कि जो उसने किया था जिस हिसाब से वो उस टाइम पे देखती, अगर वो उसकी जगह होती पायल की जगह, तो उसने कहीं ना कहीं इस चीज़ से पल्ला झाड़ लिया कि वो इसका जवाब देने मतलब चाहती भी नहीं है, और क्या जवाब दे, क्योंकि वो जवाब भी देगी क्या उसके बारे में। और वहाँ बहुत सारे सवाल जवाब मतलब साई केतन से पूछे गए कि तुम तो बिना कुछ करे यहाँ तक पहुँच गए हो, और लेजी नेजी से भी पूछे गए, सॉरी मुझे उसका नाम अच्छे से याद नहीं रहता, नेजी से भी पूछे गए कि तुम तो सो सो के यहाँ पहुँच गए। तो गाइज नेजी तो मीडिया के ऊपर गुस्सा भी हो गया था कि करके मीडिया जिस तरह सवाल पूछ रही थी कि सना और आपके बीच में क्या रिलेशन है, तो उसका तो मतलब टोन ही चेंज हो गई थी बात करने की। तो उस टाइम पर तो किसी ने ज़्यादा उसको कुछ बोला नहीं, तो उसने बोला कि मुझसे इस तरह से सवाल मत पूछो, ये मत बोलो। तो घर अंदर आने के बाद लोगों ने उसको समझाया, अरमान ने भी समझाया कि मीडिया के सामने में इस तरह से नहीं बोलते हैं, वो कुछ गलत छाप सकती है, ये सब करके बहुत बोला गाइस। और कुल मिला के सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उनकी अच्छी तरह से जो हम देखना चाह रहे थे, जो हम सुनना चाह रहे थे, वो सब हमारी मतलब एक पब्लिक की आवाज़ में उन्होंने सारे सवाल जवाब करे थे। और मुझे तो ये बहुत सही लगे, और ये एपिसोड गाइस बहुत ज़्यादा अच्छा था। और कहने का मतलब ये है, सबकी फुल ऑन क्लास लग चुकी है, जिस तरह से मतलब वो दिखा रहे थे कि हम अच्छे दिख रहे हैं, हम कैसे दिख रहे हैं, बहुत मतलब बुरी तरह से सबकी क्लास लगी है, जिन जिनको जो बोलना चाहिए था, जैसे कि शिवानी को भी निकाल दिया। अब शिवानी को मतलब निकालना सही था या गलत था गाइज, वो आप लोग जानते होंगे कि सही किया नहीं किया, बट मुझे लगता है कि जितना टीआरपी इन लोगों की वजह से बढ़ रही थी, शिवानी की वजह से, विशाल की वजह से, इन सबको नहीं निकालना चाहिए था। अब बिग बॉस जीतने के लायक इसमें है कौन गाइज, ये तो मैं नहीं जानती, क्योंकि मुझे लगता है जो डिजर्विंग थे वो तो सब निकल चुके हैं। अब थोड़ा सना लगती है कि थोड़ा, हाँ सना ने अच्छा खेला है, और निजी का तो मैं क्या ही बोलूँ, मुझे तो कहीं ना कहीं लगता है कि शायद निजी ही लास्ट में विनर बनने वाला है, और कुछ बिग बॉस में कुछ बोल नहीं सकते फिक्स कि कौन लास्ट में इसका विनर बनेगा, कौन नहीं बनेगा। तो गाइज मुझे तो ये एपिसोड देखकर बहुत ज़्यादा मज़ा आया, और मैं मतलब बीच बीच में गाइज मैं ये सब मैं देखती रहती हूँ, मैं मेरा काम होता है कि मुझे बिग बॉस बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत देखते रहती हूँ कि अच्छे से इसका एपिसोड देखती हूँ। मैं काम करते करते भी बस बिग बॉस देखते रहती हूँ, ताकि मेरा नेट खत्म हो तो वो चलेगा, बस मेरा जो मतलब है ही बिग बॉस आ रहा है करके, तो वो रुकना नहीं चाहिए। अब इसके बाद मैं दूसरे बिग बॉस का वेट करूंगी। तो गाइज मुझे तो ये सब चीज़ें बहुत मतलब सही लगती है, एक हमारा मतलब टाइम पास हो जाता है, रियलिटी से है बोल के तो बहुत सारी चीज़ें से मतलब आती है निकल के। मुझे लगता है कि नेक्स्ट टाइम के जो भी आएगा वो कहीं ना कहीं मतलब
जो अगली बार बिग बॉस आएगा जो कलर्स पे आएगा, तो गाइज मैं सोचती हूँ कि उसमें ऐसे लोगों को बुलाया जाए जिसके पीछे से फैन फॉलोइंग इस हिसाब से ना हो, ताकि लोग अपनी जो रियल पर्सनलिटी है वो निकाल के हमें दिखा पाए, हम कैसे दिख रहे हैं, वो रियल में कैसे हैं। यहाँ तो मुझे गाइज बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आया, और इनका तो बस अरमान, और वो अरमान को तो लगता है कि वो ही यहाँ का लीडर है, बस बिग बॉस के घर में उसको लगता है कि बस वो ही है जो भी कुछ है। तो गाइज आप लोगों को बिग बॉस कैसा लगा, और आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा, और मैं जो आपको बता रही हूँ वो मेरी बात से आप लोग एग्री करते हैं नहीं करते हैं, प्लीज़ गाइज मुझे इस चीज़ के लिए कमेंट कीजिएगा। फिर मिलती हूँ।